सो हे गाइज, दिस इज कैफे एंड वॉचिंग टेक्निकल कैफे यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली गाइज, आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं ICICI बैंक के एक्सप्रेस डेबिट कार्ड का। इसके बारे में सारा कुछ डिटेल समझा देंगे कि इस पे क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलता है, साथ ही आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे कि इसको आप जो है घर बैठे अप्लाई भी कैसे कर सकते हो। पूरा आपको एक एक चीज कवर कर देंगे और एक जो है आपको फोनपे की तरफ से अपडेट भी आया है, वो भी इस वीडियो में कवर कर देंगे। तो प्लीज वीडियो को जो जो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और लेटेस्ट ऑफर के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सो लेट गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। तो चलिए सबसे पहले जो हम लोग जो है फोनपे के अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ही छोटा सा अपडेट है, तुरंत ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद पूरा आपको डिटेल में समझा देंगे कि ICICI ये बैंक में अनबॉक्सिंग करने पे हमें कैसा कार्ड देखने को मिलता है, क्या क्या इसका बेनिफिट है, सारा कवर यहाँ पे कर देंगे। तो देखिए, फोनपे में अपडेट आया है कि फोनपे चैट को लॉन्च किया गया है, जो कि ऑलमोस्ट जो है 15-20 दिन हो चुका है इसे लॉन्च किए हुए। इसमें क्या होगा कि अगर आप अपने कॉन्टैक्ट्स में जाओगे, फोनपे के कॉन्टैक्ट्स में जाओगे, तो वहाँ जिस किसी को भी चूज करोगे तो पहले वहाँ पे सिर्फ सेंड मनी करने का ऑप्शन मिलता था, लेकिन वहाँ पे बगल में एक ऑप्शन आ गया है चैट का, जिसका मतलब यह है कि आप किसी को भी पैसा भेजने से पहले वहीं पे चैट करके कंफर्म कर सकते हो कि सही आदमी है या नहीं। वहीं से मतलब सारा बातचीत आप कर सकते हो, देन उसके बाद फिर आप सेंड पे क्लिक करके उसे पैसा भेज पाओगे। तो ये काफी अच्छा एक इनिशिएटिव फोनपे की तरफ से, आप कंफर्मेशन के बाद ही पैसा सेंड वहां पे करोगे, तो ये ऑप्शन आपको यहां पे देखने को मिल गया है, जो कि काफी अच्छा यहां पे हो जाता है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं ये ICICI बैंक के एक्सप्रेस डेबिट कार्ड के बारे में। तो इसका सबसे पहले आपको जो है अनबॉक्सिंग दिखा देते हैं। अनबॉक्सिंग देख लो क्या क्या इससे किट के साथ आपको देखने को मिलेगा, और अनबॉक्सिंग के जस्ट आपको लैपटॉप स्क्रीन में ले जाकर दिखा देंगे कि कैसे इसे अप्लाई कर सकते हो, इसके क्या क्या बेनिफिट है, ज्वाइनिंग फी, एलिजिबिलिटी, सारा आपको यहां पे बता देंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका आप लोग जो है अनबॉक्सिंग यहां पे देख लीजिए। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके के पैकेट रैप में ये हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ICICI बैंक डेबिट कार्ड, और यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एक्सप्रेस डेबिट कार्ड। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा कुरियर डिटेल था। चलिए इसे हम लोग जो है अनरैप करके देखते हैं कैसा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक बेसिक सा सील होता है, जो कि ICICI बैंक की तरफ से ही होता है। तो यहाँ पे हमने अनरैप कर लिया है, चलिए देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ बेसिक से गाइड वगैरह होंगे, जो कि एज ऑलवेज सभी डेबिट कार्ड में होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि ICICI बैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये आपका पूरा टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज हो गया, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। उसके बाद साथ ही साथ यहाँ पे ICICI बैंक डेबिट कार्ड के बारे में यहाँ पे बताया है कि ये डेबिट कार्ड है क्या, क्या क्या इस पे आपको बेनिफिट वगैरह देखने को मिलेंगे, ये यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। सबसे खास बात तो इसकी ये है कि इस पे आप जो है अपना पिक्चर लगा सकते हो, यानी कि अगर आप वेबसाइट के थ्रू इसे अगर करोगे अप्लाई, तो हाँ एक ऑप्शन होता है कि आप चाहो तो इसमें अपना पिक्चर लगा सकते हो, और फिर आपके पिक्चर के साथ जो है आपका डेबिट कार्ड यहाँ पे बन के आ जाता है। तो ये इसका काफी खास फीचर होता है, जो कि मैंने एक्सप्रेस डेबिट कार्ड के बारे में यहाँ पे बता दिया। अब देखिए, साथ में यहाँ पे कुछ कुछ गिफ्ट वाउचर मिला है, जैसे कि सवारी का मेरे को यहाँ पे 500 रुपया ऑफ वाला एक गिफ्ट वाउचर मिला है, तो ये इसके साथ मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे मेरे को काया का भी 1000 ऑफ वाला गिफ्ट वाउचर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हमारा डेबिट कार्ड है, जो कि मैंने सिक्योरिटी पर्पज से यहाँ पे बहुत सारे डिटेल को हाइड कर दिए। सबसे खास बात इसका ये था कि ये जब अप्लाई कर रहे थे बैंक वाले, तो मेरे को वहां पे ऑप्शन दिया उन्होंने कि आप जो है अपने हिसाब से यहां पे टैग लगा सकते हो, कि आप जो मन चाहो वो वहां पे लगा सकते हो, वही प्रिंट होकर आएगा। तो वही मैंने आपको बताया कि अगर आप वेबसाइट के थ्रू करोगे तो यहां पे एक ऑप्शन आता है कि आप अपना फोटो भी यहां पे लगा सकते हो, और आपका फोटो के साथ ये बन के आ जाता है। तो कार्ड कुछ यहां पे देख सकते हो इस तरीके का है, इसे मैं जस्ट निकाल देता हूं। यहां पे सिंपल सा कार्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वीजा कार्ड होगा ये, आपका नाम हो गया, आपका यहां पे कार्ड डिटेल सब मेंशन होता है, और यहां पे साथ ही साथ यहां पे चिप बेस्ड कार्ड है, ये भी आप यहां पे देख सकते हो। बैक साइड में इसका CVV नंबर होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी ज्वाइनिंग फीस क्या है और इसकी एनुअल फीस क्या है। देखिए, इसकी ज्वाइनिंग फीस आपको देना होगा 499 रुपया, प्लस यहाँ पे GST लगता है। इसका ज्वाइनिंग फीस सिर्फ ज्वाइन करने का आपको लगेगा, और साथ ही साथ एक चीज बताना चाहेंगे कि इसी जो एनुअली फी आपको पड़ने वाली है, वो भी 499 प्लस GST यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये दो चीज आपको ध्यान रखना है कि ज्वाइनिंग फी आपको देना होगा 499 प्लस GST, और एनुअली फी जो होता है वो भी आपका 499 प्लस GST होता है। तो काफी अच्छा यहाँ पे डेबिट कार्ड है, एक तरफ से देखा जाए तो बेसिक सा ही डेबिट कार्ड है। इससे हाई एंड भी आती है, सफायरो हो गया, ये सब कार्ड भी ICICI के होते हैं। तो जैसा आपका बैंक में ट्रांजेक्शन सही रहेगा, तो आप फिर इसे जो है वेबसाइट में नेट बैंकिंग में जाकर अपग्रेड यहां पे कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको यहां पे पूरा डिटेल में ICICI बैंक के डेबिट कार्ड के बारे में यहां पे बता दिया। तभी हम लोग जो है ICICI बैंक के ये वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं, इसी के थ्रू आपको सारा डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे खास बात इस डेबिट कार्ड की ये है कि ये एक डिजाइनर कार्ड है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बताना चाहता हूँ कि आप जब इसे यहाँ पे क्लिक कर लोगे, तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको अपलोड योर पिक, यानी कि इस डेबिट कार्ड में आप अपना भी पिक लगा सकते हो। नहीं तो यहाँ पे प्रीसेट भी बहुत सारे आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने ये वाला चूज किया था। आप जैसे कि थंबनेल में वीडियो में देखे होंगे कि ये वाला हमने चूज किया है, तो आप यहाँ पे कोई भी अपने हिसाब से यहाँ पे लगा सकते हो, और साथ ही साथ अपना भी फोटो यहाँ पे अपलोड योर पिक पे क्लिक करेंगे तो आप अपना भी फोटो यहाँ पे लगा
लगा करके इस कार्ड को मंगवा सकते हो। तो सबसे बेनिफिट वाला बात तो ये यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद अगर इसकी बेनिफिट की बात की जाए तो यहाँ पे किट में ही मैंने यहाँ पे अनबॉक्सिंग में दिखा दिया था यहाँ पे क्या क्या मिला था। तो जैसे कि काया गिफ्ट वाउचर मिल गया था 1000 रुपये का, सवारी का 500 रुपये का मिल गया था, सेंट्रल वाउचर भी मिल गया था। तो ये सब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था अनबॉक्सिंग में ही। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इस पे आप स्पेंड कितना कर सकते हो। तो डोमेस्टिक में अगर आप निकालोगे एटीएम से तो 1 लाख निकाल सकते हो एक दिन में, और अगर इंटरनेशनल आउटसाइड निकालोगे, इंडिया से आउटसाइड निकालोगे, तो आपको 2 लाख यहाँ पे मिल जाता है। साथ ही इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों के लिए जो है शॉपिंग जो है लिमिट 1 दिन का 2 लाख यहाँ पे आपको दे दिया जाता है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्ग एक्सेस भी मिल जाएगा, यानी कि मैक्सिमम 2 फ्री एक्सेस पर क्वार्टर पर कार्ड एट द पार्टिसिपेटिंग एयरपोर्ट लॉन्ग, यानी कि पर क्वार्टर में आप जो है 2 एयरपोर्ट लॉन्ग इसमें फ्री ले सकते हो। जैसे कि अगर हम लोग क्लिक हियर पे यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे इन्होंने अपना चार्ट दे दिया है कि कौन कौन से लॉन्ग को ये सपोर्ट करते हैं। तो इस पे आप जो है पर क्वार्टर जो है 2 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्ग यहाँ पे ले सकते हो। उसके बाद 0 सरचार्ज ऑन फ्यूअल परचेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे अर्न पेबैक पॉइंट, आप जितना भी स्पेंड करोगे उसका आपको यहाँ पे पेबैक पॉइंट मिलेगा। जैसे कि अगर मान के चलो आप इस कार्ड से 200 रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो या कहीं भी शॉपिंग वगैरह करते हो, तो उसके लिए आपको जो है 4 पेबैक पॉइंट मिलेगा। और यहाँ पे कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं जहाँ आप जो है यहाँ पे यूज़ करोगे तो आपको कोई भी पेबैक पॉइंट नहीं मिलेगा। जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, यूटिलिटी हो गया, इंश्योरेंस वगैरह हो गया, ये सब में आपको पेबैक पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। 0 लायबिलिटी प्रोटेक्शन भी यहाँ पे मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद फिर एक्सक्लूसिव डाइनिंग ऑफर्स भी मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पे वेबसाइट पे आके यहाँ पे देख सकते हैं, और कुछ यहाँ पे खास देखने को नहीं मिलेगा। अप्लाई करने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, यहाँ पे एक्सप्रेशन डेबिट कार्ड पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डिजाइन गैलरी, जिसमें आप डिजाइन योर कार्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि कौन से कार्ड को आप यहाँ पे ऑप्शन में ले सकते हो। तो आप जो भी अपना हिसाब से देख लेना। उसके बाद अपलोड योर पिक पे क्लिक करके यहाँ पे आप जो है अप्लाई नाउ पे चले जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट करना होता है। तो बेसिक सा यहाँ पे सबसे पहला इसका एक्सप्रेशन डेबिट कार्ड जो कि हमने मंगाया है, उसका चार्ज जो है 499 रुपये ज्वाइनिंग फी है, प्लस 18% GST लग जाता है, और साथ इसमें एनुअल फी भी इसका 499 है, जिसमें 18% GST लग जाएगा। उसके बाद इसका दूसरा टाइप है एक्सप्रेशन कोरल डेबिट कार्ड, जिसमें यह होता है कि आपको 799 रुपये यहाँ पे ज्वाइनिंग फी प्लस GST देना होता है, और 799 प्लस 18% GST आपको एनुअल भी देखने को मिलता है। सेम एक्सप्रेशन सैफेरो डेबिट कार्ड भी है, जिसका आपको काफ़ी ये हाई लेवल का कार्ड है, इसको आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर हाई प्रोफाइल में आप जाते हो तभी इस कार्ड को आप लेना, तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। सिंपल यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेंगे तो ये आपको पूरा फॉर्म वगैरह देने का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि फॉर्म वगैरह भर के आप सिंपली यहाँ से जो है अप्लाई कर देंगे। और जैसे आप अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद जो है आपके घर के में 14 दिन के बाद जो है डेबिट कार्ड जो है डिलीवर्ड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आप जो है इस डेबिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, बेनिफिट भी काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो यही है, मैंने सारा यहाँ इस वीडियो में कवर कर दिया है। तो ये थी आज की वीडियो, मैंने दोनों टॉपिक कवर कर दिया। ICICI बैंक एक्सप्रेशन डेबिट कार्ड का भी पूरा फुल डिटेल आपको दे दिया अनबॉक्सिंग के साथ, और फोनपे का भी जो अपडेट था वो मैंने आपको बता दिया। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।